से बाइक सच बताऊं मैं चलाने में डर रहा था यार भाई, वो इतनी जबरदस्त निकल रही थी ना, लिटरली मुझे लग रहा था कि साला हेलमेट वेलमेट सब उड़ जाएगा। क्या भाई साहब, ये देख लो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज आपके सामने खड़ी है एक 300 सीसी सेगमेंट की बाइक और एक 155 सीसी सेगमेंट की बाइक। 310 है बट हम इस कैटेगरी में 300 कैटेगरी में ही चूज़ करेंगे, और कोई कंपैरिजन वीडियो आज ये नहीं होने वाली है। भैया आए हुए हैं, बाइक हमारे पास थी तो आज बस इन्जॉय करने निकले हैं। शाम का टाइम है और इन दोनों को फुल पोटेंशियल पर आज चेक करेंगे क्या मज़ा देने वाली हैं। बाकी बातें करते हैं चलते चलते, तो चलो। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपनी अपनी बाइक्स पे और भैया राइड कर रहे हैं आर 310 और मैं बैठा हूँ अपनी R15 V4 पे। तो चलो एक बार लेते हैं मज़ा, करते हैं इस बाइक को एंजॉय। दोनों बाइक साथ में हैं। सो कोई आज ड्रैग रेस नहीं होने वाला है, कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला है, क्योंकि है ही नहीं कोई कंपैरिजन यार। वो 300 सीसी की बाइक है और ये 155 की, पर देखो एंजॉयमेंट पूरा आएगा। आप वीडियो में बने रहना, मज़ा पूरा आने वाला है। शायद उन्होंने अभी खींची नहीं है और फुल पोटेंशियल पे मारन भाई को भगाने वाले हैं। देखते हैं आज क्या होने वाला है। क्या बात है यार, राइडिंग अगर दिल में बैठ गई ना तो राइडिंग के अलावा फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा यार। ये देखो भाई, क्या बताओ, क्या कंपैरिजन है, आप ही बताओ यार। मजा जबरदस्त है पर यार, क्या बात है। आज भैया आए हुए थे और बाइक भी हमारे पास खड़ी थी, तो सोचा क्यों ना एंजॉय करके आया जाए। तो बस शाम का मजा लेने निकल गए दोनों भाई। अभी तक तो मैं ही आगे चल रहा हूँ, पता नहीं कैसे, या तो वो भगा नहीं पा रहे या वो भगाना नहीं चाह रहे, दोनों में से एक बात जरूर है। तो मजा आ रहा है, छोटा सा कर्व। इन रोडों पे यार हमने बहुत सी वीडियो बनाई है और सब में मजा आता है यार, क्योंकि इस रोड का जवाब ही नहीं है। यार मेरे लिए साइड मिरर के बिना ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे बहुत हैबिट है साइड मिरर्स की और मज़ा नहीं आता जब तक पीछे दिखाई ना दे, और सेफ्टी के लिए तो अच्छा है ही। क्या बात है भाई, ये देखो इसको चेक करो, ताकत अपने आर 15 भी पूरी लगा रही है, बट क्या ही कर सकते हैं यार। वो 310 सीसी और 155 सीसी, ये दोनों बाइक अपने आप के सेगमेंट में बीस्ट है यार, वो भी और ये भी। R15 की मार्केट आपको पता है कितनी ज़्यादा है। दोनों ही बाइक आज रेड भी हैं, सबसे बड़ी बात। यार वो बहुत पिकअप से निकाल के ले जाते हैं। यार कुछ भी हो, सीसी कुछ भी हो, पर मजा आना चाहिए बस, वो हमें आ रहा है और कुछ नहीं चाहिए यार। भाई साहब क्या बात है, पिछली वीडियो में आपने देखा मैंने उस बाइक का काफी हद तक रिव्यू किया था, वो एक मतलब डीपली रिव्यू नहीं था, मैंने उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह के बारे में डीपली बातें नहीं की थी, मैंने उसका राइडिंग कंफर्ट बताया था, जो राइड करने के बाद उसको मजा आता है, मैंने वो रिव्यू आपके सामने रखा था, और भाई सब कुछ एक नंबर था, मजा आ गया। जो बात है अपनी आर 15 फुल पोटेंशियल पे, कर्व वेल नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। कर्व आते ही तो मजा ही आ जाता है। ये मौसम जबरदस्त हो रहा है यार, आज शाम का टाइम है, शाम के बजे हुए हैं 5:35, बट मौसम देखो क्या जबरदस्त, इतना मस्त हो रहा है। क्या भाई साहब,
देख लो यार। बहुत मजा आ गया यार। अब यहां से लेंगे यू टर्न। और यू टर्न के बाद कोशिश करेंगे मुझे एक बार फिर से बाइक वो मिल जाए। मुझे लगता नहीं भैया देंगे क्योंकि उन्हें भी अलग फील आ रहा है यार। डेफिनेटली आर 5 से तो कई बेटर है ही वो, पर एक बार कोशिश कर लेते हैं कह के, देखते हैं क्या जवाब होता है। भैया प्लीज ड्राइव करने दो यार। अच्छा मान गए यार, बाइक तो मान गए। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भाई, ये जो हमारे राइडिंग गियर्स हैं, बाइक के मतलब तो हल्के हैं यार काफी। भाई हेलमेट हिलने लग गया 145 की स्पीड पे, लग रहा था सारा सर के ऊपर से उड़ जाएगा। भाई अमेजिंग यार, अलग फील है ना। हाँ बहुत जबरदस्त। चल इस बार आप इसे चलाओ, मैं इसे चलाता हूँ। ठीक है ठीक है भाई, मेरे को नहीं लग रहा मतलब। भाई मैं रेस कर रहा था तुमसे, भाई तुम्हारा इस बाइक पे बैठा हुआ है हाथ। मैं उसे बाइक सच बताऊँ मैं चलाने में डर रहा था यार। भाई वो इतनी जबरदस्त निकल रही थी ना, लिटरली मुझे लग रहा था कि साला हेलमेट वेलमेट सब उड़ जाएगा। तो भाई ये आपने देख ही लिया भैया का रिव्यू, और अब हम ड्राइव करने वाले हैं इसको। तो चलो भैया को दे दी आर 5 और हम करेंगे 310 को राइड। अरे भाई ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है भाई कंपनी। चलो चलो। सो गाइस अभी हमने ले ली है ये आरआर 310, और इसकी कुछ बातें पिछली वीडियो में रह गई थी। वो बातें ये थी कि अभी ये देखो भाई पिकअप, पहले पिकअप चेक करो, आ जाने देते हैं, पीछे नहीं छोड़ते हैं। भैया आए हुए हैं, बुरा मान जाएंगे। क्या बात है। वो बात यह थी कि इसमें एक चीज की कमी है, वो है वाइब्रेशन। यह वाइब्रेशन की प्रॉब्लम मुझे पिछली वीडियो में भी लगी थी और मैं आपको बता नहीं पाया। अब बताता हूँ कि इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत है। अपनी R15 एकदम स्मूथ चलती है, हालांकि ये भाई इसकी मशीनरी भी कुछ हैवी है, तो इस वजह से हो सकता है। इसका इंजन हैवी है, ये हैवी बाइक है, तो हो सकता है इस वजह से ये वाइब्रेट करती हो। बट जो भी है मैंने आपको बताया, फील नेक्स्ट लेवल है भाई। जब मैं अपनी R15 को चला रहा था तो मैंने काफ़ी हद तक अपनी पोटेंशियल तक उसको खींचा था, उस बाइक की पोटेंशियल था एक्चुअली। बट वही है, जब भैया लेके जाते थे ना ऐसे निकाल के लेके जाते थे, इनको भी तो दिखाएं कैसा लगता था हमें निकलने के बाद। भाई ऐसा लगता था हमें, तो मैं घर की तरफ। और एक आखिरी बात बता के वीडियो को एंड करते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको एक बात और बताना भूल गया था, इसका माइलेज यार। ये ना आप कैसे भी चला लो, अच्छी चला लो, रफ चला लो, ये किसी भी तरीके से 25 से ऊपर का माइलेज मेरे हिसाब से नहीं निकाल रही है। और बस यही कुछ बातें थी, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। हम लोग बस निकल रहे हैं घर की तरफ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।